बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर एडवांस लेवल का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे और हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक अपना क्लाज़ के मुतालिक। हमने डिटेल में पढ़ा कि इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। क्लाज़ क्लाज़ क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। और फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि इंडिपेंडेंट क्लाज और मेन क्लाज आपस में कैसे जुड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो हमने सारी की सारी उसके एग्जांपल्स को भी कवर किया और आज हम उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लाजेस। तो हमने लास्ट टाइम जो सेंटेंस था हमारे पास, आई सॉ अ मैन हु वॉज़ क्राइंग, इस पे एनालिसिस किया था। तो इसमें जो मेन चीज़ थी, आई सॉ अ मैन, ये क्या था, स्टैंड अलोन करता है पार्ट, इसको हमने मेन क्लाज कहा था। और दूसरा जो हिस्सा है, हु वॉज़ क्राइंग, ये स्टैंड अलोन नहीं करता, ये सबॉर्डिनेट क्लाज है। और जब कंपाउंड सेंटेंस में सबॉर्डिनेट क्लाज और मेन क्लाज दोनों मिलके एक अपना मीनिंग क्लियर करते हैं, तो उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है जिसको अलग करके लिखा जाए तो अपने मानी वो बरकरार रखता है, फिर भी वो कम्युनिकेट करता है जो वो बात उसमें की गई हो। जैसे कि आई सॉ अ मैन, तो मैंने आदमी को देखा, ये बात समझ आती है कि आदमी को देखने से कैसे देखा, या ये एक कंप्लीट बात है। तो अब जब हम कहेंगे हु वॉज़ क्राइंग, तो उस पे कुछ सवाल उठते हैं कि, और उसके बारे में पूछते हैं कि कौन, क्यों, कैसे। तो ये जो सवालात छोड़ जाता है वो अपने मीनिंग नहीं क्लियर करता है, कुछ एम्बिग्विटी होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि वो स्टैंड अलोन नहीं करता। तो इस हिस्से को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लाज या सबॉर्डिनेट क्लाज। तो ये सारी डिटेल भी लिखी हुई है, आप सारी इसको पढ़ सकते हैं, यही बात है जो मैंने अभी आपको की है। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे जिसमें हम इसकी टाइप्स पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, और जब किसी नाउन की तारीफ़ की जाए तो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो वर्ड्स नाउन की तारीफ़ करें उसके बारे में मज़ीद डिटेल बताएं, हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं। और जो हमारे पास एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिफ़ाइन करता है और सम टाइम एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करता है। तो यही जो सबॉर्डिनेट क्लाज है, किसी कंपाउंड सेंटेंस में एज ए नाउन का फंक्शन करे, यानी कि किसी चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल की गई हो, तो उस डिपेंडेंट क्लाज, सबॉर्डिनेट क्लाज को हम नाउन क्लाज कहेंगे। और जब वही जो हमारे डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लाज है, किसी नाउन की तारीफ़ के लिए वो यूज़ किया गया हो या फंक्शन कर रहा हो, तो हम उसको एडजेक्टिव क्लाज कहेंगे। और जब वही सबॉर्डिनेट क्लाज एंड डिपेंडेंट क्लाज किसी वर्ब को डिफ़ाइन करे, वर्ब के बारे में मज़ीद बताए, किसी काम करने के नफासत अंदाज़, तरीक़ाकार, या उसकी तरतीब, या उसकी रेशो, फ्रीक्वेंसी, व्हाट सो एवर, उसको बताए, या फिर किसी नाउन के एडजेक्टिव को मज़ीद डिटेल बताए, तो हम उस सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाज को एडवर्ब क्लाज कहेंगे। तो ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। नाउन क्लाज में हमने ये कहा कि जो जब सबॉर्डिनेट क्लाज जो एज फंक्शन करती है कंपाउंड सेंटेंस में एज ए नाउन, तो हम उसको नाउन क्लाज कहते हैं। सबॉर्डिनेट क्लाज विच एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लाज। इट यूजली स्टार्ट्स विद द वर्ड, इसकी कुछ पहचान है कि किन वर्ड से पहचान इसकी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो नाउन क्लाज ज़्यादातर या अक्सर औकात और या मोस्टली, दैट, वट, वट एवर, हु, होम, हु एवर, हु, होम एवर, इन अल्फाज से स्टार्ट होती है, तो इसका आप समझ जाएंगे कि वो नाउन क्लाज है। इट एक्ट्स एग्जैक्टली एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, जिस तरह सेंटेंस में एक नाउन काम करता है, इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लाज है
वो एज ए नाउन काम करती है. इट कैन वर्क एज अ नाउन आइदर एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है ये क्लास. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज आवर नॉलेज, तो इसमें वट एवर वी स्टडी एज ए नाउन यूज हो रहा है. वट यू ईट डिटरमिन यूर बॉडी साइज, वट यू ईट जो है इसमें नाउन के तौर पे है कि जो भी आप खाओगे वो डिटरमिन करेगी आपकी बॉडी का साइज क्या. आई बाय वट एवर आई नीड, तो वट एवर आई नीड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो है नाउन ही. नाउ आई रियलाइज वट यू हैड थाट, तो इसमें हमारे पास ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. आपको पता है सब्जेक्ट फिक्र के शुरू में होता है और मेन रोल अदा करता है और वो एक्टिवेटर होता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरी चीज़ों को, और जब किसी चीज़ पे चीज़ें वाकई हो रही हों तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो पहले दो सेंटेंस जो हमारे पास एज ए नाउन जो फ्रेज थी बॉडी नेट फ्रेज नाउन के तौर पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रही थी, तो दूसरे में नाउन के तौर पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही थी. उसके बाद एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन को जब मज़ीद डिफाइन किया जाए तो वो वर्ड्स का कम्बिनेशन जो होता है वो उसको एडजेक्टिव कहते हैं. और सेम जब आपकी डिपेंडेंट क्लास बॉडी नेट क्लास किसी सेंटेंस में या मेन क्लास के या ओवरऑल एज जो नाउन है उसको उसको मज़ीद डिफाइन करती है, उसकी सिफात बताती है, तो उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे. इस सबॉर्डिनेट क्लास विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास. लाइक एन एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज एड्स इंफॉर्मेशन टू नाउन, तो नाउन में ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है, या नाउन हो या प्रोनाउन हो किसी भी सेंटेंस में. एन एडजेक्टिव क्लास मोस्टली स्टार्ट्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन सच एज दैट, हु, होम, हुज, विच, हुज. तो ये अल्फाज हैं जो मोस्टली एडजेक्टिव क्लास जो है जिनसे स्टार्ट होती है. आई सा अ चाइल्ड हु वॉज क्राइंग, तो इसमें किसको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे. चाइल्ड के बारे में बता रहा है. ही हेट्स द पीपल हु वेस्ट टाइम, तो ये पीपल के बारे में बता रहा है. हु वेस्ट द टाइम, तो इसमें नाउन को ही, यानी कि नाउन हमारे पास क्या था, पीपल, इसको मॉडिफाई कर रहा है. आई वॉच अ मूवी विच अम्यूज्ड मी अलॉट, तो इसमें हमारे पास मूवी के बारे में ये कैपिटल वर्ड्स में बात की जा रही है. विच अम्यूज्ड मी अलॉट, किसने, मूवी ने. तो मूवी क्या है हमारे पास, यहाँ पे नाउन है. नाउन किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए. द कार विच आई लाइक कंज्यूम लेस फ्यूल, तो इसमें हमारे पास नाउन क्या है, कार है, और इसके बारे में विच आई लाइक कंज्यूम लेस फ्यूल. तो विच आई लाइक का मतलब क्या है, ये है हमारे पास, इसमें जो है सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, विच आई लाइक. तो ये क्या हुआ, सबॉर्डिनेट क्लास है, लेकिन किसके तौर पे काम कर रही है, एज ए एडजेक्टिव कर रही है. किसके एडजेक्टिव, कार के बारे में बता रहा है. द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग जो है वो हमारे पास नाउन है. वेयर ही लिव्स, तो ये जो वेयर ही लिव्स है ये हमारे पास सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है. किसके बारे में बात की जा रही है, बिल्डिंग. बिल्डिंग क्या है, नाउन है. नाउन के बारे में बात कर रही है, उसके मीनिंग ऐड कर रही है, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लास कहेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी. अब एडवर्ब की बात करें, तो एडवर्ब ओवरऑल एक सेंटेंस में क्या करता है, वर्ब को डिफाइन करता है या एडजेक्टिव को मज़ीद डिफाइन करता है. तो सेम जब कंपाउंड सेंटेंस में बात की जाए या क्लास में बात की जाए, तो क्लास वो क्लास जो किसी वर्ब को डिफाइन करती है, और वो क्लास जबकि दूसरे अगर सेंटेंस की बात की जाए तो वर्ड होता है हमारे पास, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लास कहते हैं. तो ये ओवरऑल एडवर्ब और एडवर्ब क्लास में ये फ़र्क है कि एडवर्ब क्लास में, एडजेक्टिव क्लास में, नाउन क्लास में हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब, एज ए नाउन काम कर रहा होता है, तो इसलिए हम उसको साथ में ऐड होता है क्लास. अच्छा जी, इसमें यही बात की गई जो मैंने आपको बताई कि वर्ब को डिफाइन करेगा या फिर एडजेक्टिव को. तो आगे चल के हम इसकी पहचान करेंगे कि कैसे कैसे कौन से अल्फाज इसके इस्तेमाल होते हैं, और आगे इसकी एग्जांपल भी नेक्स्ट पेज पे करते हैं. तो इसको एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए कि यही बात की गई थी. इस सबॉर्डिनेट क्लास विच एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन दी सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लास. लाइक एन एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब ओवरऑल सेंटेंस में इट मॉडिफाइज ए वर्ब
एन एडजेक्टिव क्लास और एन अदर एडवर्ब क्लास इन द सेंटेंस। इट मॉडिफाइज, यानी कि मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, कुछ उसमें एडिशन करना, चेंज करना। एड इन्फॉर्मेशन टू वर्ब, वर्ब के यानी वर्ब के एक्शन, वर्ब क्या होता है, काम करना, उसमें कुछ मीनिंग ऐड करेगा तो उसको हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। ऑफ द मेन क्लास इज टर्म एज टाइम, फ्रिक्वेंसी, हाउ ऑफन, कंडीशन, काज एंड इफेक्ट, इंटेंसिटी। ये अगर फर्दर टाइप्स हैं। इट मोस्टली यूज द फॉलोइंग सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसकी पहचान कैसे होती है। टाइम की जब बात की रही हो तो एडवर्ब ज़्यादातर क्या होता है, वैन, वैन एवर, सिंस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, वाइल, एज बाई द टाइम, एज सून एज। तो जब काज एंड इफेक्ट की बात की रही हो तो ज़्यादातर एडवर्ब क्लास किस तरीके से शुरू होती है, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज, सो, सो दैट। इसके अलावा कंट्रास्ट के तौर पे जब इसको यूज़ किया जाता है, जब यानी कि एक चीज़ मुख्तलिफ दूसरी से उसको कंट्रास्ट किया जाता है, अल्दो, इवन, वेयर एज, वाइल, दो, तो ये इसकी पहचानें हैं। कंडीशन जब होती है तो इफ़, अनलेस, एनी, ओनली इफ, वेदर और नॉट, इवन इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दैट, इन केस, तो ये सारी उसकी पहचान है जब हमारे पास एडवर्ब क्लास की कि किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आपने थोड़ा सा इसका पहचान टाइम, काज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट और कंडीशन के हिसाब से याद रख सकते हैं कि जो एक क्लास है एज ए एडवर्ब क्लास जब यूज़ होगी तो उसकी क्या क्या पहचान हो सकती है, उसकी अलामत क्या हो सकती हैं, तो ये सारी उसमें डिफाइंड है। तो अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एडवर्ब कैसे ये वर्ब को और नाउन को, सॉरी, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होता है। कॉल मी व्हेन यू नीड माय हेल्प, तो इसमें मॉडिफाई जो कॉल है उसके बारे में बात की कि उस वक्त मुझे कॉल करना जब तुम्हें ज़रूरत हो, ये वर्ब को डिफाइन जब कर रहा है या वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको हम एडवर्ब क्लास कह रहे हैं। अनलेस यू अवॉइड शुगर यू कैन नॉट लूज वेट, तो इसमें हमारे पास वर्ब कौन सा है, लूज वेट, तो लूज वेट जो है इसको ये अनलेस यू अवॉइड शुगर, तो ये बात की गई, तो ये जो हमारे पास कम्बिनेशन वर्ड व्हेन अनलेस यू अवॉइड शुगर, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये किसको चेंज कर रहा है, लूज वेट करने को, तो इसमें ये चूंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए हम इसको अनलेस यू अवॉइड शुगर को हम कहेंगे कि एडवर्ब क्लाज है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, तो इसमें जो डाई है इसके बारे में बात करें कि वो मर पहले ही चुका था जब डॉक्टर पहुंचा, तो ये डाइड के बारे में इसको मॉडिफाई कर रहा है कि उसकी डेथ के बारे में बता रहा है कि कब हुई, तो डेथ के बारे में डिटेल कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, डेथ तो हो गई लेकिन कब हो गई तो उसके बारे में मज़ीद कुछ बता रहा है। तो डाइड हमारे पास क्या है, वर्ब है, वर्ब को जब उसमें मीनिंग ऐड करेगा, चेंज करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल यू लिव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू थिंक एज यू लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिवली, तो हमारे पास यहाँ पे यू लिव अ हैप्पी लाइफ, तो लिव रहने की बात कर रही है कि एज लॉन्ग एज यू थिंक पॉजिटिवली, जब तक तुम मुस्बत सोचोगे तो खुश रहोगे, तो लिव को मजीद डिफाइन करते हो, लिव क्या है, वर्ब है, वर्ब को जब डिफाइन करेगा तो उसको एडवर्ब क्लास कहेंगे। आई वर्क इन अ फैक्ट्री वाइल आई वॉज लिविंग इन लंदन, तो ये काम के बारे में बता रहा है कि जब काम वो कहाँ करता था, वाइल ही वॉज वो फैक्ट्री में उस वक्त काम करता था, उसने फैक्ट्री में उस वक्त काम किया जब वो लंदन में रहता था। वाइल आई वॉज लिविंग इन लंदन, तो जब लंदन वो रह रहा था, तो ये एक क्लाज है, किसको डिफाइन कर रही, काम करने की नौीयत को, कि वो फैक्ट्री में उस वक्त काम करता था जब वो लंदन में रहता था। तो हमारे पास ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वाइल आई वॉज लिविंग इन लंदन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एडवर्ब क्लाज हो जाएगा और ये सबॉर्डिनेट क्लाज ही हैं सारी की सारी जो हमने पढ़ी, नाउन क्लाज, एडवर्ब क्लाज, सॉरी, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लाज, तीनों जो हैं ये हैं सबॉर्डिनेट क्लाज की ही टाइप्स, यानी कि ये स्टैंड अलोन फिर भी नहीं करेंगी जब ये दूसरे के साथ होंगे, लेकिन से ये फंक्शन करती हैं एज नाउन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे और एडवर्ब के तौर पे। तो यू कैन सक्सीड इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू आर सिंसियर टू वर्क, तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, सक्सीड है, यानी कि कामयाबी की शर्त दे दी, और सक्सीड जो है वर्ब है यानी कि सक्सेस से निकला है, तो सक्सेस उसका नाउन है और सक्सीड जो है वो वर्ब है, तो ये उसी को डिफाइन कर रहा है कि जब तक तुम सच्चे दिल के साथ काम नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते, तो ये सक्सीड को डिफाइन कर रहा है, तो इसको जो वर्ब को डिफाइन करेगा
तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। और जब वो डिफाइन करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो बाकी आप हमारे CSS की भी क्लासेस, BMS के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं। चैनल को ज़रूर लाइक किया करें और वीडियो के बारे में भी आप बताया करें कि आपको ये टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।